अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम्स न्यूज़ के साथ मैं हूं नुमान शहज़ाद। खबर शामिल करते हैं हसन अब्दाल से, जहां पर मोटरवे पुलिस M1 ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। बस हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयों में मिलने वाली 12 लाख रुपए की रकम मालिक के हवाले कर दी। मज़ीद तफसीलात से आगाह करने के लिए हसन अब्दाल से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद गुलफराज। जी गुलफराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस M1 बुरहान ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी है। गुज़श्ता रोज़ बुरहान इंटरचेंज के करीब होने वाले बस हादसे के बाद बस से मिलने वाले 12 लाख रुपए की नकद रकम मालिक को ढूंढकर उसके हवाले कर दी गई है। DSP मोटरवे पुलिस M1 बुरहान मोहम्मद इमरान अतारी ने मीडिया नुमाइंदों को बताया है कि गुज़श्ता रोज़ होने वाले बस हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयों में मोटरवे पुलिस के जवानों का किरदार काबिल तारीफ़ रहा है। उनका कहना था कि जहाँ हादसे के बाद बस से मिलने वाला कीमती सामान जांच पड़ताल के बाद मालकान के हवाले करने का अमल शुरू कर दिया गया है, वहीं मोटरवे पुलिस को बस से मिलने वाले एक थैले में से 12 लाख रुपए नगद भी पड़ा हुआ मिला था, जिसकी मुकम्मल तहकीकात के बाद मोटरवे पुलिस ने इसके मालिक मोहम्मद जमाल खान को ढूंढ निकाला और इसे फील्ड ऑफिस बुरहान में बुलाकर गवाहान की मौजूदगी में 12 लाख रुपये इसकी रकम इसके हवाले कर दी, जिस पर मोहम्मद जमाल खान ने DSP मोहम्मद इमरान अतारी और दीगर मोटरवे पुलिस अफसरान का बाहिफाजत इसकी कैश हवाले करने पर शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानब अवामी हलकों ने भी मोटरवे पुलिस की इस नेक नीति और ईमानदारी पर खुशी का इजहार करते हुए उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा है। जी बहुत शुक्रिया गुलफराज तफसीलात से आगाह करने का।